बाराबंकी बदोसराय में होली व ईद को लेकर पीस कमेटी की हुई बैठक। थाना कोतवाली बदोसराय में होली और ईद को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीओ आलोक पाठक ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों से होली और ईद की तैयारी को लेकर खास चर्चा की। जिसमें सीईओ आलोक पाठक ने कहा कि अगर होली और ईद को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो वो हमसे बताएं, ताकि हम उसकी परेशानी का समाधान कर सके। एसडीएम आनंद तिवारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव भी नजदीक आ चुका है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक भाईचारा निभाते हुए अपने अपने त्यौहार मनाएं। अगर इन त्योहारों को लेकर किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। जिसमें वहां पर आए हुए प्रधानों और सम्मानित लोगों ने होली और ईद के पर्व को लेकर भाईचारा और आपस में मिलजुल कर मनाने की बात कही। वहीं होली और ईद पीस कमेटी की बैठक में किंतुर, बौद्धसराय, रसूलपुर, हजरतपुर, मरकामऊ, पहला रायगंज, खुर्दमऊ, कोटवाधाम और भी कई गांव के लोगों ने आकर इस पीस कमेटी में शामिल हुए और सभी लोगों ने भाईचारे के साथ होली और ईद का त्यौहार मनाने की बात कही। जिस पर सीओ आलोक पाठक व एसडीएम आनंद तिवारी ने होली और ईद सभी को शुभकामनाएं दी। इस पीस कमेटी की बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहे एसडीएम आनंद तिवारी, सीओ आलोक पाठक, रामनगर बदोसराय थानाध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार यादव, इंस्पेक्टर नौशाद खान, इंस्पेक्टर अरुण कुमार यादव, पुलिस आरक्षी सुशील कुमार यादव, वरिष्ठ पुलिस आरक्षी विनय कुमार के साथ साथ थाना बदोसराय स्टाफ मौजूद रहा। बाराबंकी से हसन रजा के साथ ब्यूरो चीफ बबलू की रिपोर्ट।